रेडमी नोट 5 प्रो के लिए अरिजीत साहा की तरफ से राइजिंग ओएस का बिल्ड आया हुआ है। उसे तो 1.2.5 वर्जन है ये लेटेस्ट। इसका लास्ट रिव्यू जो किया था 1.0 का, उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है इसके अंदर में, जो कि समझाने लगूंगा क्या क्या एक एक, तो फिर ये जो रिव्यू कंप्लीट करने वाला हूँ इससे भी कहीं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड 13 QPR 3 भी आया है, तो काफ़ी कुछ जो है पहले के रिमूव कुछ चीज़ें न्यू देखने को मिली, इस तरीके का चेंजेस काफ़ी हो गया है, तो इसलिए कंप्लीट रिव्यू यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, जो भी चेंजेस हुआ है और बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस कैसा है उन सब के बारे में भी बात करूँगा। राइजिंग ओएस का ये जो है 1.2.5 का अनऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है, और यहाँ पे जो है अबाउट सेक्शन इसका राइजिंग डिवाइस का मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 है, QPR 3 पे बेस्ड, और वर्जन आप देख ही सकते हो 1.2.5 है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जुलाई 2023 की मिलती, कर्नल एलेक्जर रिवोन का मिल जाता है 4.4 बेस्ड, और ये नॉन डायनेमिक वाला है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे हम जो है इसके गूगल डिस्क पर के बारे में, तो थोड़ा लैग है, काफ़ी कम QS पैनल में आपको काफ़ी कम लैग मिलता है इसके अंदर में, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी कम है। एंड ब्लूटूथ टाइल होल्ड करोगे तो पॉपअप सेटिंग मिल जाती है, और ये कस्टमाइजेशन रोम है, इसलिए इसके अंदर आप देखोगे अगर टाइल्स तो टाइल्स काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसकी कमी मेरे हिसाब से नहीं होगी। काफ़ी सारे टाइल्स आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग्स है ये ज़रूर यहाँ पे नॉर्मल सी देखने को मिलती है इतना कुछ होने के बाद भी। बाकी अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो नॉर्मल जो लैग है उसके मुकाबले काफ़ी लाइट सा सिर्फ फ़र्क रहेगा, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी काफ़ी लाइट ही लैग करता है, हैवी लैग नहीं रहने वाला है। वॉल्यूम पैनल आपका कुछ इस तरीके का एक्सपेंड हो जाता है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन आपका अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे ऐप ओपनिंग में कुछ पेड़ थोड़ा डिले रहेगा, बट एनिमेशन अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे रिसेंट कुछ इस तरीके का मिल जाता है। स्क्रीनशॉट लॉक का भी है, स्क्रीनशॉट में डिलीट लेंस मिल जाएगा, और आइकन पे टैप करोगे तो लेटेस्ट बिल्कुल स्प्लिट स्क्रीन और फ्री फॉर्म विंडो मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे के बारे में, तो कैमरा इनबिल्ड कोई भी नहीं आता इसके अंदर में, तो मैनुअली GCam इंस्टॉल कर लेना, अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग और पिक्चर क्लिक जो है कर पाओगे, इनबिल्ड कोई नहीं आता। और यहाँ पर जो है आपको FM देखने को मिल जाएगा, ओके गूगल बिल्कुल वर्किंग है, इसको लेके कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और गैलरी भी उसके इसके अंदर कोई भी प्रीइंस्टॉल नहीं आती, तो मैनुअली जो है गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर सर्टिफाइड रहने वाला है, सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है, बैंकिंग ऐप को लेके कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है वॉलपेपर स्टाइल के अंदर में, कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो UI काफ़ी ज़्यादा लैग करता है इसके अंदर में। यहाँ पे देखोगे वैसे थीम आइकन भी यहाँ पे नहीं है इसका, इसका जो थीम आइकन है वो आपको लॉन्चर के अंदर देखने को मिलेगा, वो भी कस्टम वाला, तो वॉलपेपर स्टाइल के अंदर इसका थीम आइकन नहीं मिलता, इसका लॉन्चर में रहेगा। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ये लैग कर रहा है, UI लैग जो है काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो लेटेस्ट पूरा बट UI लैग इसके अंदर, खासकर वॉलपेपर स्टाइल के अंदर, बाहर कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वॉलपेपर स्टाइल के अंदर आते ही आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लो सा फील हो रहा है, बट ये पूरा पूरा आपको लेटेस्ट देखने को इस तरीके से QPR 3 वाला ही पूरा मिल जाता है, बट लैग जो है यहाँ पे काफ़ी कर रहा है। लॉक्सिन शॉर्टकट भी है, नोटिफिकेशन भी मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए लॉक्सिन के लिए, बट देख सकते हो कब टैप किया था अब जाके सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही, तो काफ़ी स्लो लोडिंग सा ले रहा है यहाँ पे। बाकी मोर ऑप्शन जो है हमारा डिस्प्ले के अंदर लॉक्सिन है वो है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे नाउ प्लेइंग डबल लाइन क्लॉक, ये सब देखने को यहाँ पे मिलने वाला। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं वॉलपेपर स्टाइल। कॉलिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, आपका जो वाईफाई कॉलिंग उसका बग रहेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल वर्किंग है, ब्लूटूथ डिवाइस भी इसके अंदर आपका मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उनको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 hour 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, थोड़ा बैटरी यूजर्स लेट ऐड होता है, पिक्सल वाला ग्राफ है तो इसलिए डैशबोर्ड का भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बाकी 87% मिल जा रहा है 2 hour 50% पे। और चार्जिंग देखोगे तो 9% चार्ज होने में यहाँ पे जो है 15 मिनट का टाइम लगा है, वहीं 38% लास्ट का चार्ज होने में 1 hour 35 मिनट का टाइम लगा है। और बैटरी ड्रेनिंग में यहाँ पे 61% नाइट में था, मॉर्निंग में 58% देखने को मिला है, तो 3% की बैटरी जो है ड्रेन यहाँ पे देखने को नाइट में मिला है। और अब बात करें सेटिंग्स के, तो कुछ इस तरीके का सेटिंग्स इसका रहने वाला है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर यहाँ सिम में जाओगे तो प्रेफर नेटवर्क की कमी नहीं होगी, प्रेफर नेटवर्क काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। हॉटस्पॉट भी बिल्कुल वर्किंग है, और बैंड्स भी आपको डुअल बैंड्स मिल जाता है, 5 GHz है इसके अंदर में। और नीचे फिर यहाँ पे बाहर में प्राइवेट DNS ये भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि इसके अंदर सेटिंग में जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो हर सेटिंग्स के आगे आइकन देखने को मिल रहा है, उसी से रिलेटेड आप देख सकते हो आइकन्स इस तरीके का। तो ये कुछ चेंजेस तो आपको मिलेगा लेटेस्ट में यहाँ पे इस तरीके से,
और साथ साथ सेटिंग में सेक्शन में भी इमेज जो है एनिमेशन इस तरीके के देखने को मिलने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स के अंदर में, तो इस तरीके का इमेज भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये दो चेंजेस भी आपको रहने वाले हैं काफ़ी जगह। और कनेक्टेड डिवाइसेस को वैसे अगर बात करें तो इसके अंदर में हमें यहाँ पर जो है ब्लूटूथ टाइम आउट मिल जाता है, और वैसे आपको वाईफाई के अंदर भी टाइम आउट मिलने वाला है, और कास्ट वर्किंग है तो कास्ट को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है। पर्सनलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अबाउट ऊपर में यहाँ पर लॉकिंग के अंदर ऑलवेज ऑन ऑलवेज शो व्हेन चार्जिंग है, एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, नीचे फिर पॉकेट डिटेक्शन है, पावर मेन्यू है लॉक स्क्रीन में ऑन ऑफ करने के लिए, म्यूजिक टीकर है, यूजर स्विचर भी यहीं पे है, बाकी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन एरर वाइब्रेशन है, रिपल इफेक्ट है फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी इन्फो मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा यूआई लैग करता है इसके अंदर में भी, बट उतना ज़्यादा नहीं करता जैसे उसमें कर रहा था, तो उतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन का जो बॉटम है स्पेसिंग वो सब कंट्रोल कर पाओगे, स्मॉल क्लॉक का टेक्स्ट साइज हो गया, लार्ज क्लॉक का क्लॉक फॉर्मेट हो गया, और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल चेंज करने के लिए इस तरीके से जो है इस तरीके से स्वाइप करना है, इस तरीके से राइट या लेफ्ट आप स्वाइप करो, आराम से अप्लाई कर दो, अप्लाई चेंजेस पे अप्लाई हो जाएगा लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट। बाकी लॉक स्क्रीन का डेट फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी दिया हुआ था। ये था लॉक स्क्रीन मिसलेनियस के अंदर में, यहाँ पे गेम स्पेस दिया गया है, तो ये आपको गेम स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर में, तो ये हमारा जो है गेम स्पेस है। अब बात करें यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल की, तो ये मिल जाएगा, सिस्टम मैनेजर भी है जिसमें आपको गेम बूस्टर भी दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी फिर सिस्टम मैनेजर एग्रेसिव आइडल मोड भी दिया गया जिसमें आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके ऑफ हो जाएंगे, और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। वेदर की सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है सभी आपको मिलेगा, यू अनलॉक हायर एफपीएस भी है, लिमिटेड फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स स्पूफ मिल जाएगा, एंड्रॉइड पी एनिमेशन काम नहीं कर रहा इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, और यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीन शॉट है। हालांकि पहले के जो रियलाइजिंग हुए स्टार्टिंग में आया था तो उसमें स्वाइप टू स्क्रीन शॉट इनेबल करने के बाद मल्टीपल फिंगर मल्टीपल टच का इशू आता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे कलर क्यूएस नोटिफिकेशन आइकन है, रिटीकर है, नोटिफिकेशन इससे रीडिजाइन हो जाता है और स्लिम मिलता है, नीचे फिर नॉइसी नोटिफिकेशन है, मीडिया आर्टवर्क बैकग्राउंड मिल जाएगा, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन मिल जाता है, एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर में बैटरी की परसेंटेज है क्विक सेटिंग्स के लिए दिया हुआ है, ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे आपको, नीचे फिर टाइल लेआउट के लिए दिया गया है, और नीचे फिर यहीं पे जो है हाइड क्यूएस ऑन सिक्योर लोकेशन मिल जाएगा, डाटा यूजर्स है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी के लिए है, क्यूएस पेज ट्रांजिशन है, और क्यूएस पेज का क्यूएस सेटिंग्स का जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, जिसमें साइबर पंक हो गया, कलर पॉपअप, टू टोन, ये सब कलर चेंज कर पाओगे, और ये क्विक सेटिंग्स का यूआई जो है आप यहाँ पे एंड्रॉइड 11 वाला भी कर पाओगे जो कि देखने में अच्छा नहीं रहता, हम एंड्रॉइड 13 का यूज़ करेंगे। और साउंड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो है पल्स मिलेगा, एडिप्टिव प्लेबैक है, वॉल्यूम मीडिया आउटपुट है, और वॉल्यूम यहाँ पे स्टेप्स मिल जाएगा, स्टेटस बार के अंदर बैटरी बार है, बैटरी स्टाइल आपको मिलेगा, आई स्टाइल वाले भी बैटरी स्टाइल दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट में ऐड हो रहे हैं अब, एंड यहाँ पे नीचे फिर बैटरी परसेंटेज वन चार्जिंग है, और क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स है, इसी के अंदर आपको बैकग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा क्लॉक के लिए, तो यहाँ पर मिलेगा, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नीचे फिर यहाँ पे बाहर में कंबाइंड सिग्नल आइकन, जिससे सिग्नल आइकन आपका बाय डिफॉल्ट से हाइड रहता है, तो इसको ऑफ करोगे तो आपका सिग्नल आइकन शो करने लग जाएगा। बाकी फिर नीचे मीडिया माइक एंड कैमरा लोकेशन और मीडिया का जो प्राइवेसी इंडिकेटर है वो मिल जाएगा, कलर आइकन है, सो डाटा रिसीवेबल इंडिकेटर, ट्रैफिक इंडिकेटर है, क्विक पुल डाउन है, रोमिंग इंडिकेटर हो गया, स्टेटस बार जो कि स्टेटस बार आइकन्स हो गए, वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन हो गया, कस्टम लोगो, ये आपको कस्टम नहीं लेकिन स्टेटस बार लोगो मिल जाएगा जिसमें लोगो स्टाइल दिया हुआ है, यूज़र इंटरफेस के अंदर फ़ोन स्टाइल है, सिस्टम आइकन पैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, और मोनेट के सेटिंग्स है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, कस्टम कलर लगा पाओगे, नेविगेशन बार स्टाइल भी यहीं से चेंज कर पाओगे, तो ये भी इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पे, और यहीं पे जो है बाहर में आपको सिग्नल आइकन स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, और यहीं पे जो है सिस्टम आइकन सेप जो है वो भी आपको मिलेगा, वॉल्यूम पैनल स्टाइल चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहीं से चेंज कर पाओगे, ये भी देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके जो है रियलमी यूआई का, और यहाँ पे राइज स्टाइल जो है वो आपको देखने को यहाँ पे वॉल्यूम स्टाइल मिल जाते हैं, तो ये आप यहाँ से चेंज कर पाओगे इसके अंदर में। नीचे में फिर वाईफाई आइकन स्टाइल देखने को मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे सेटिंग जो इंटरफेस दिया गया हमारे मेन सेटिंग्स के लिए जो कि पहले भी आपको बता रखा था पहले के बिल्ड्स में, तो यहाँ से बैनर आप इनेबल कर पाओगे जो कि अबाउट फोन आपका ऊपर आ जाएगा बैनर पे देखने को मिलेगा, तो एक बार दिखा दूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी आप चेंज कर पाओगे, जो टेक्स्ट लिखा रेडमी नोट 5 प्रो ये भी आप चाहो तो चेंज कर पाओगे, कस्टम अपने हिसाब से कुछ भी लिख पाओगे जो कि वहीं पे आपको यूज़र इंटरफेस में यहाँ पे सेटिंग जो इंटरफेस है इसके अंदर ही मिलता है यहाँ पे। साथ साथ सर्च बार स्टाइल भी चेंज कर पाओगे, रैंडम जो सेटिंग्स हेडर इमेज दिया गया इसको इनेबल करने के बाद रैंडम ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा वो इमेज, बाकी यहाँ से मैनुअली चेंज कर पाओगे, और यहाँ नीचे जो है टेक्स्ट के लिए चेंज करने के लिए है, और यहाँ से कस्टम कुछ भी आप लिख सकते हो इनेबल करने के बाद में।
बाकी जो सबसे नीचे मिलता है सेटिंग स्टाइल, तो ये मेन सेटिंग्स आपका उसका स्टाइल चेंज कर देता है। जैसे कि गूगल का मटेरियल यू वाला मैं यहाँ पे किया हूँ, अभी थोड़ा अप्लाई होता है, तो जब भी चेंज करना थोड़ी देर वेट कर लेना, उसके बाद बैक करना ताकि सही से अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके की सेटिंग्स हमारी देखने को मिल रही थी। ये मेन सेटिंग जो है उसका स्टाइल चेंज कर देता है, जो यहाँ पे लास्ट में हमें सेटिंग स्टाइल देखने को मिलता था। अभी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे, तो इस तरीके जो आप चेंज कर पाओगे। लेकिन जब भी यहाँ चेंज करना थोड़ा सा टाइम देना, कुछ सेकंड, उसके बाद जब अप्लाई हो जाए तब यूज़ करना, थोड़ा सा लैग्स देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ सारी चीज़ें। तो ये था हमारा यहाँ पे पर्सनलाइजेशन जो कि था। बाकी डिस्प्ले के अंदर फिर यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके की सेटिंग मिलेगी। लॉक स्क्रीन ऑलरेडी आपको दिखाई दिया था वॉलपेपर स्टाइल के अंदर से। डार्क थीम दिया गया है इसके अंदर प्योर ब्लैक, ये सब आपको मिलेगा। नाइट लाइट काम कर रहा है, लाइव डिस्प्ले मिल जाएगा, रोटेशन मोड मिलते हैं इसके अंदर में, और डिस्प्ले कटआउट हमारे किसी काम का है ही नहीं। टैप टू वैक वर्किंग है, टैप टू स्लीप है, बैक ऑन प्लग है। डेस्कटॉप मोड है जो कि अपने फ़ोन की डिस्प्ले एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह यूज़ कर पाओगे पीसी या टीवी के अंदर एचडीएमआई केबल के थ्रू, तो ये आपको मिलता है। अम्बिन डिस्प्ले यहाँ पे लास्ट में देखने को मिलेगा, ईओडी ओडी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा हालांकि। एंड यहाँ पे अब बात करें ऐप्स की, तो ऐप्स के अंदर जाओगे तो आपका असिस्टेंट जो कि वर्किंग है ऑलरेडी आपको बता ही दिया, ओके गूगल काम करता है। एंड इसका जो लॉन्चर है इसी के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा। आइकन जो है सेटिंग्स, इसी के अंदर थीम्ड आइकन देखने को मिल जाता है आइकन पैक के नीचे में, और कस्टम थीम्ड आइकन यूज़ करना होगा जो कि डॉक पे आपके अप्लाई होगा। बाकी फिर यहाँ पे फोर्स मोनोक्रोम थीम्ड आइकन ये सब आपको मिलेगा सभी आइकन के लिए। एंड होम स्क्रीन की सेटिंग्स है, इसमें आपको सिंगल पेज सेंटर अलाउ, शॉर्ट पैरेलेक्स, वॉल पेपर के लिए सब ऑप्शन मिलेगा। हॉट सीट बैकग्राउंड हो गया, एंड एड ग्लेंस हो गया, गूगल सर्च बार हो गया, तो ये सब आपको मिलेगा। एंड जेस्चर के लिए भी यहाँ पे दिया गया सेक्स जेस्चर तीन है। फर्स्ट पे आपको यहाँ पे एक तो इसके लिए मिल जाता है टॉर्च के लिए, सेकंड म्यूजिक के लिए मिल जाता है प्ले पाउज या नेक्स्ट के लिए, और थर्ड पे आपको मिलता है यहाँ पे वॉल्यूम शो करने के लिए। आपका सेक करोगे तो वॉल्यूम शो करेगा, तो इस तरीके जो है मिलता है। नीचे सेक्स का जो जेस्चर का इंटेंसिटी है वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो ये जो है यहाँ पे दिया गया जेस्चर की सेटिंग्स के लिए। फिर आता है ऐप ड्रॉअर, जिसमें ऐप सर्च बार है, बैकग्राउंड ऑपेसिटी मिल जाएगा, मिसलेनियस के अंदर उसे आपको टास्क बार मिलता है इसके अंदर में, तो यूज़ कर पाओगे। और स्क्रॉल करोगे तो हैप्टिक फीडबैक भी मिलेगा रीसेंट पे, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स भी मिल जाता है। बाकी रीसेंट के अंदर मेमोरी इन्फो है, बैकग्राउंड ओपेसिटी मिल जाता है, सेक फोन टू क्लियर ऑल टास्क भी, और इसका भी सेक करने के लिए इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। तो ये सब आपको मिलता है इसके लॉन्चर के अंदर। तो लॉन्चर फुल कस्टमाइजेशन वाला आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी फीचर्स की कमी नहीं है। और नोटिफिकेशन वैसे आपका नॉर्मली रहेगा, नोटिफिकेशन लाइट ये सब इसके अंदर काम कर रही, तो इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं। नोटिफिकेशन लाइट, बैटरी चार्जिंग के टाइम पे भी लाइट काम कर रहा है। बैटरी के अंदर यहाँ पे रीसेट स्टेट्स ऊपर मिल जाता है, बैटरी यूजेस जो है जैसे कि पिक्सल वाला मिलता है थोड़ा लेट ऐड होता है। अडेप्टिव चार्जिंग मोड भी दिया गया है, बैटरी सेवर मिल जाएगा, बैटरी लाइट है जो कि काम कर रहा है, अडेप्टिव प्रेफरेंसेस है, तो ये सब देखने को मिलेगा। और जैसे कि अब लेटेस्ट में फ़ोन चार्ज करते हो तो एनिमेशन लेटेस्ट मिलेगा जो कि स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफरेंस है, अलग सा, यानी कि कस्टमाइजेशन सिमिलर से, बस जो स्टाइल है काफ़ी अलग सा है। मीडिया लेआउट ये सब तो लेटेस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम का जो हैप्टिक दिया गया, जिसमें बैक जेस्चर हैप्टिक हो गया, ब्राइटनेस स्लाइडर का हो गया, एज स्क्रोलिंग हो गया, वॉल्यूम स्लाइडर का हैप्टिक, सभी को आप कंट्रोल कर पाओगे। हैप्टिक कितना रखना है वो आपके हाथ में, यहाँ पे काम कर रहा है अच्छे से, उसे रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न कस्टम लगा पाओगे। नीचे पर है वॉल्यूम कंट्रोल भी है, चार्जिंग साउंड को भी आप चेंज कर सकते हो। नीचे फिर लाइव कैप्शन, नाउ प्लेइंग, ये सब देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एसेबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिम अवेलेबल है, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, ऐप लॉक भी है, और ये रोम बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है, इनक्रिप्टेड नहीं आता, डिक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, पैटर्न साइज मिलता है वैसे इसके अंदर, और पिन ऐड करोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट भी मिलेगा, साथ साथ जो लेटेस्ट इनहैंड पिन प्राइवेसी वो भी मिलेगा। और फिंगरप्रिंट देख ही सकते हो, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, फेस अनलॉक का भी रिस्पॉन्स इसी तरीके से रहने वाला है। तो दोनों का रिस्पॉन्स जो है अच्छा रहेगा, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट का। बाकी सेटिंग में यहाँ पे स्क्रैम्बल लेआउट मिलता है जो नंबर पोजीशन चेंज कर देता है, लेकिन इनहैंड पिन प्राइवेसी की अगर बात करें तो ये जो है आपके एनिमेशन को डिसेबल कर देता है, एंटर कर दो जब भी पिन को वो डिसेबल कर देगा। और यहाँ पे यूज़र अकाउंट भी स्विच कर सकते हो यहीं से, वो भी आपका शो करता है, जो कि सेटिंग से आप चाहो तो ऑफ भी कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो एनिमेशन जो है ये डिसेबल कर देता है, एनिमेशन देखने को नहीं मिलता। ऐप लॉक वैसे यहाँ पे जो है सिस्टम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड भी आप यहीं से कर पाओगे। तो लॉन्चर वाला ऐप लॉक या हाइड वाला यूज़ मत करना, यहाँ वाला यूज़ करना, अच्छे से काम कर रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल वर्किंग है, और रोम तो ये जो है डिक्रिप्टेड ही आएगा। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबिंग मिल जाता है वैसे सिस्टम के अंदर। फिर यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज जो है सपोर्टेड है, काफ़ी एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं, 6-7 एप्लीकेशन पे। बटन के अंदर आपको यहाँ पे जो है इनबिल्ट लेआउट भी मिल जाता है, पावर मेन्यू भी, एडवांस रिविट स्टार्ट भी, यहाँ से भी चेंज कर पाओगे। सो वॉल्यूम पैनल और लेफ्ट भी मिल जाता है वॉल्यूम बटन सेक्शन में। जेस्चर के अंदर आपको यहाँ पे क्विक टैप भी, यानी कि बैक टैप वाला जो जेस्चर है
वो भी देखने को इसके अंदर में मिल जाता है, तो वो भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर हाइड आईमी बटन स्पेस, जो कि कीबोर्ड के नीचे का स्पेस हाइड कर पाओगे, सब आपको मिलेगा ही। 3x10 नेविगेशन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हालांकि होम बटन पे कोई पिक्चर इमेज नहीं है, बट यहाँ पे अगर जेस्चर में देखोगे तो बैक जेस्चर जो एरो है लेटेस्ट मिल जाता है, जो कि अभी QPR3 मिलता है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसका प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन भी डेवलपर ऑप्शन में है, लेकिन वो अभी सभी रोम्स में जैसे आपको बताया कि जो है सिर्फ कुछ जगह ही काम करता है, इसका भी उसी तरीके से चेक किया, कुछ जगह ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से रहेगा। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिलेगा ही, रिंगिंग है, USB कॉन्फ़िगरेशन बाहर मिल जाता है, बाकी फिर नीचे अपडेटर है जो कि हमारे काम का नहीं है तो इसको इग्नोर ही करो। लेकिन डिवाइस सेटिंग्स मिल जाती है, यहाँ पे काफ़ी कुछ आप कर पाओगे। MI साउंड एनहांसर वर्किंग है, एंड कलर कैलिब्रेशन है, FPS ओवरले है, थर्मल प्रोफाइल मिल जाएगा, एंड क्लियर स्पीकर भी है, तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। एंटूडो स्कोर 225,364 देखने को हमें इसके अंदर मिला है, और CPU थ्रोलेट जो इसका है 93% है, और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 130,000 है, एवरेज स्कोर में 124,000 देखने को मिला है। गिगबेंच स्कोर सिंगल में 300 है और मल्टी स्कोर के अंदर 1133 देखने को हमें इसके अंदर में मिला है। और जो बूट एनिमेशन है वो भी पहले का जो राइजिंग OS रोम था जब स्टार्टिंग में आया था, सिर्फ टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिलता था, तो कुछ इस तरीके का लोगो आपको मिलेगा और ये कुछ इस तरीके का बूट एनिमेशन भी है, तो पहले के मुकाबले ज़रूर यहाँ पे बूट एनिमेशन भी चेंज हुआ है। जब ये स्टार्टिंग में आया था, जैसे कि पहले राइज ड्रॉइड के नाम से था ये रोम, राइजिंग OS 1.0 आया था स्टार्टिंग में, तो बूट एनिमेशन थोड़ा अलग था, अब चेंज है। बाकी गेम स्पेस के अंदर आपको यहाँ पे मोड, FPS इन्फो, STAVX नोटिफिकेशन, ये सब आपको मिलेगा, रैम यूजेस भी। बाकी ग्राफिक के अंदर वही पुराना जैसे अरिजीत साह में आता है, स्मूथ पे मीडियम, बैलेंस में मीडियम, तो वही ग्राफिक अनलॉक है। इनके डिफॉल्ट कर्नल जो साथ में रहता है उसके साथ में इतना ही ग्राफिक अनलॉक है, इसलिए डिफॉल्ट कर्नल के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली, काफ़ी प्रॉब्लम होता है खेलते टाइम, आपको काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि 25 FPS के हिसाब के आप करीब समझ लो उस तरीके से आपको यहाँ पे FPS मिलने वाला, तो आप सोच सकते हो किस तरीके के जो है गेमिंग परफॉर्मेंस रहेगी डिफॉल्ट कर्नल के साथ में। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे कर्नल आप जो है चेंज कर लेना, और ओल्ड कैम कर्नल फ्लश करना तो ओल्ड कैम वाला QTI हैप्टिक वाला, तो आराम से जो है यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे, बट जो है एंड्रॉइड 13 सपोर्टेड है वो आप चेंज करना, अगर आपको चेंज करना होगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट करने के साथ गेमिंग तो आप भूल जाओ, बाकी वैसे नॉर्मली के लिए ठीक है बट गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को मिल जाती है इस बिल्ड के अंदर में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।